नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल रितु रिंकूस किचन एंड ब्लॉग पर स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक सिंपल हेल्दी भेज लंच थाली, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसमें है मसूर मूंग दाल, छत्तू बेसरो, बेसिकली ये एक मशरूम करी है और ये एक मिक्स वेज की सब्जी है। ये है मशरूम फ्राई, तवा फ्राई और सलाद, नॉर्मल प्लेन राइस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं दाल चढ़ा लूँगी, तो इसके लिए मैंने मसूर दाल और जो सोनार मूंग दाल होता है, वेस्ट बंगाल में मिलता है, उसको सेम क्वांटिटी में लिया है। तो इसको ऐसे ही थोड़ी देर में ड्राई फ्राई करने के बाद इसमें पानी, हल्दी और एक टमाटर डाल के इसको बॉयल होने के लिए छोड़ दूँगी। ये नॉर्मली एक दो सीटी में ही हो जाएगा, ज़्यादा सीटी की ज़रूरत नहीं है। मिक्स वेज के लिए मैंने यहाँ पे लिया है फ्रेश पुई साग, एक पम्पकिन का पीस, एक बैंगन, एक तुरई और एक आलू। इसका जो मिक्स वेज होता है ना, बहुत ही टेस्टी बनता है। बहुत ही सिंपल सा रेसिपी है। तो सारे वेजिटेबल्स को मैंने धो के अच्छी तरह से काट लिया है पीसेस में। पुई साग को भी पहले धो के ही काटिएगा। और साथ ही में लिया है प्याज, एक बड़ा प्याज और 4-5 तो हरी मिर्च। तो पहले मैं प्याज हरी मिर्च को थोड़ा फ्राई करके उसमें जीरा सरसों का थोड़ा छोंक लगा दूंगी। अभी इसमें मैं ऐड करूंगी एक टमाटर। तो फिर से अभी सारे मतलब चीज़ों को अच्छी तरह से थोड़ा फ्राई करने के बाद मैं ऐड करूंगी स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और घर में जो रेगुलर यूज़ होता है वो मसाले का एक चम्मच। फिर से सबको अच्छी तरह से मिला के मैं सारे वेजीज ऐड कर दूंगी। वेजिटेबल्स सब ऐड करने के बाद फिर से अच्छी तरह से ऊपर नीचे करके सबको अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसको ढक के मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी। नॉर्मली पुई साग डला है तो इससे पहले थोड़ा पानी निकलेगा। तो 5 मिनट तक इसको थोड़ा हाई फ्लेम में पकाने के बाद फ्लेम को लो टू मीडियम करके इसको ढक के ऐसे ही पकने के लिए छोड़ दीजिएगा। घर में अगर प्रॉन्स है तो प्रॉन्स डालिएगा, ये और भी टेस्टी बनेगा ये सब्जी। दाल पक चुका है तो अभी इसमें मैं छौंक लगाऊंगी। 2 सीटी के बाद ही मैंने बंद कर दिया था। तो इसमें अभी छौंक के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी 3-4 टो लहसुन की कलियाँ, जिसको मैंने दरदरा कूट लिया है, कुछ करी पत्ता, 2 हरी मिर्च और जीरा सरसों। आप चाहे तो प्याज भी ऐड कर सकते हैं, पर लहसुन डालने से ना जो छौंक है उसका जो खुशबू होता है ना, बहुत अच्छा आता है। तो दाल हमारा रेडी है, तो अभी नेक्स्ट रेसिपी पे चलते हैं। उससे पहले थोड़ा मिक्स वेज को देख लेते हैं। लगभग 50% पक चुका है, ये और भी पकेगा अभी। तो इसको ऐसे ही ढक के फिर से छोड़ देते हैं। अभी मैं बनाऊंगी छत्तू बेसरो, मतलब मशरूम का एक करी रेसिपी है, 1 टाइप ऑफ करी रेसिपी ये है, जो कि मस्टर्ड सॉस पेस्ट में बनेगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है बटन मशरूम, आलू और थोड़ा टमाटर। टमाटर थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा, नहीं तो आप उसकी जगह पे जो ड्राई मैंगो होता है, जिसको उड़ीसा में आम्बुलो बोलते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में मैंने यहाँ पे लिया है एक प्याज, थोड़ा सा धनिया पत्ता और कुछ करी पत्ता। तो अभी इसके लिए जो पेस्ट लगेगा वो तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 ड्राई चिलीज लिया है और 1 चम्मच जीरा। इसको थोड़ा मैं हल्का सा मतलब फ्राई कर लूँगी ऑयल में। और इसके साथ मैं ऐड करूँगी कुछ पीसेस अदरक, 2 बड़े बड़े लहसुन की कलियाँ, 1 चम्मच पीला सरसों और 1 चम्मच काला सरसों। पीला सरसों काला सरसों मिला के लेने से थोड़ा टेस्ट बहुत अच्छा आता है, जो पेस्ट बनता है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो देखिए पानी मिला के मैंने यहाँ पे एकदम फाइन पेस्ट कर लिया है। बनाने के लिए मैं सरसों तेल का यूज़ कर रही हूँ। तो तेल में पहले मैं डालूँगी थोड़ा सा प्याज, करी पत्ता, इन सबको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। और इसमें अभी मैं ऐड कर दूँगी टमाटर। अभी इसमें हल्दी और नमक ऐड करके मैं सारी चीज़ों को कुछ देर अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी, ताकि सब कुछ अच्छे से नरम हो जाए, मतलब गल जाए। क्योंकि जब हम इसमें पेस्ट ऐड करेंगे तो ज़्यादा देर भून नहीं पाएंगे, क्योंकि जो सरसों का पेस्ट होता है उसको अगर हम ज़्यादा देर चलाएंगे तो वो थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी मैंने पेस्ट ऐड कर दिया है, बस 1-2 सेकेंड ही इसको अच्छी तरह से सबके साथ मिला के। अब जो भी मतलब घर में यूज़ करते हैं रेगुलर मसाला, उसमें से आप चाहे तो 1 या आधा चम्मच इसमें ऐड कर सकते हैं।
ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं है ये सब्ज़ी में। तो फाइनली मैं सब कुछ अच्छी तरह से मिला के अभी इसमें पानी दे के ढक्कन लगा दूंगी और उसको उबलने के लिए छोड़ दूंगी। ये लगभग 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा मशरूम का तावा फ्राई भी बना रही हूँ। बस मशरूम को काट के उसमें सारे मसाले को मिला के तेल में फ्राई करना है। ये देखिए हमारा छत्तू बेसरा भी लगभग तैयार हो चुका है। आप इसमें ग्रेवी जो है अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अभी बन चुका है, तो इसमें फाइनली ऐड कर देंगे थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया, इससे टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो फाइनली हमारा छत्तू बेसरा रेडी हो चुका है और ये मशरूम तावा फ्राई भी रेडी हो चुका है। तो चलिए प्लेटिंग करते हैं। ये है गरम गरम चावल, साथ में है मसूर मूंग का दाल, ये है हमारा छत्तू बेसरा। ये बेसिकली एक ओडिया रेसिपी है। और ये हमारा मिक्स वेज फ्राई, साथ में जो मशरूम का तावा फ्राई है और सलाद। होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।